कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। माँ बाप ने नाम रखा प्रबोध चंद्र डे। फिल्म इंडस्ट्री के लोगों ने इन्हें मन्ना बाबू कह के पुकारा और इनके दीवानों ने इन्हें मन्ना डे कहा। आ जा सनम मधुर चांदनी में हम तुम मिले तो विदाने में भी आ जाएगी बहार। झूमने लगेगा आसमां, झूमने लगेगा आसमां। मन्ना डे साहब का जन्म 1 मई सन 1919 में हुआ। इनके पिता का नाम पूर्ण चंद्र और माता का नाम महामाया डे था और इनके मामा केसी डे इनके गुरु थे जो खुद एक संगीताचार्य थे। मन्ना डे साहब ने अपनी शुरुआती पढ़ाई स्कॉटिश चर्च कॉलेजिएट स्कूल से की और बाद में विद्यासागर कॉलेज से ग्रेजुएशन की डिग्री ली। अपने कॉलेज के दिनों में मन्ना डे अपने दोस्तों को गाना गा के एंटरटेन किया करते थे। मन्ना डे साहब ने अपने मामा कृष्ण चंद्र डे से संगीत सीखा और साथ ही उस्ताद दबीर खान से। ये वो दौर था जब मन्ना डे लगातार 3 सालों के लिए इंटर कॉलेजिएट सिंगिंग कॉम्पिटिशन में फर्स्ट आए। सन 1942 में मन्ना डे ने मुंबई का दरवाजा खटखटाया। इनके मामा केसी डे एक संगीतकार थे और मन्ना डे उन्हें असिस्ट किया करते थे और उसके बाद मन्ना डे ने सचिन देव बर्मन को भी असिस्ट किया और फिर वो वक्त आया जब मन्ना बाबू ने कहा अब मैं बतौर म्यूजिक डायरेक्टर काम करना चाहता हूँ और कई फिल्मों में वो संगीत देने लगे। खूब इश्क के तर्ज बयां से मैं खूब इश्क के तर्ज बयां से मैं कह दूंगा दिल की बात, कह दूंगा दिल की बात नजर की। एक तरफ मन्ना डे साहब का म्यूजिक डायरेक्शन चल रहा था तो दूसरी तरफ उनकी तालीम भी चल रही थी। एक भी मौका ऐसा नहीं था जब मन्ना डे साहब ने अपनी ट्रेनिंग को छोड़ा। वो भारतीय शास्त्रीय संगीत सीखते रहे उस्ताद अमान अली खान और उस्ताद अब्दुल रहमान खान से और सन 1943 में वो लम्हा आया जब मन्ना डे ने प्लेबैक सिंगिंग शुरू की। ये फिल्म थी तमन्ना जिसमें इन्होंने सुरैया के साथ एक डुएट सॉन्ग गाया था। मन्ना डे साहब की जोड़ी मोहम्मद रफी साहब के साथ भी खूब जमी। परवरिश का गाना मामा ओ मामा जिसमें मन्ना डे और रफी की आवाजें हमें मुस्कुराने पर मजबूर कर देती हैं। मामा ओ मामा ओ मामा 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 घर वाले खाए चक्कर ऐसा है अपना चक्कर चक्कर में तुम नहीं आना प्यारे मामा ओ मामा ओ मामा ओ मामा ओ मामा मामा मामा। ये बात भी गौर करने लायक है कि राज कपूर साहब की आवाज मुकेश साहब को समझा जाता है और ये बात सही भी है, पर राज कपूर के लिए मन्ना डे ने भी सुपर डुपर हिट गाने दिए हैं और चोरी चोरी फिल्म का ये गाना इस बात को बखूबी साबित करता है। ये रात भीगी भीगी ये मस्त बिदाए झूठा धीरे धीरे प्यारा प्यारा। ये भारतीय सिनेमा का सुनहरा दौर था जहाँ पर एक से बढ़कर एक आवाजें थी और मन्ना डे साहब ने अपना एक अलग मकाम बनाया। मन्ना डे एक ऐसे सिंगर रहे जो कॉमेडियन महमूद के लिए भी जमके गाते थे तो हीरो अशोक कुमार के लिए भी, चाहे वो शास्त्रीय संगीत हो या फिर किशोर कुमार के साथ फिल्म पड़ोसन की जुगलबंदी, चाहे वो एसडी बर्मन हो, रोशन हो या फिर शंकर जयकिशन, सभी ने मन्ना डे के हुनर को सलाम किया। बड़े ज्ञानी ध्यानी को बुलाओ अभी अभी यहाँ फैसला कराओ कुछ न पूछो कि तुम मेरे कौन हो। सन 1953 में 18 दिसंबर को मन्ना डे ने सुलोचना कुमारन से शादी की जो केरल से थीं। इनकी दो बेटियां हुई श्रोमा और सुमिता
ये बात भी मशहूर है कि मन्ना डे ने जिस भी किरदार के लिए गाना गाया वो किरदार अमर हो गया। फिल्म उपकार में एक्टर प्राण विलनगिरी छोड़कर निभा रहे थे एक पॉजिटिव कैरेक्टर जिसका नाम था मलंग चाचा, और मन्ना डे का गाया हुआ गाना प्राण साहब ने सिल्वर स्क्रीन पर परफॉर्म किया था और उस गाने ने प्राण की इमेज पूरी तरह बदल दी। गाने के बोल कुछ इस तरह से हैं। सन 1971 में मन्ना डे को पद्मश्री से सम्मानित किया गया और सन 2005 में पद्म भूषण से, और 2007 में मन्ना डे साहब को दादा साहब फाल्के अवार्ड से नवाजा गया। मस्ती भरा है समाज, हम तुम हैं दोनों यहाँ, आँखों में आ जा, दिल में समा जा, घूमे तमी आसमां। मस्ती भरा है समाज। यूं तो मुंबई शहर में मन्ना डे ने तकरीबन 50 साल बिताए, पर वो मुंबई छोड़कर बैंगलोर चले गए। ये बात हैरान करती है कि 90 साल की उम्र में भी मन्ना डे ढेर से लाइव शोज करते रहे। आज भी मुंबई और कोलकाता के फिल्म स्टूडियोज मन्ना डे की आवाज को बहुत मिस करते हैं। बाहों में बाहें डालो जी, गिर न जाए संभालो जी, भीगी हवाओं में, ऐसी फिजाओं में, होश मुझे है कहां। भारतीय सिनेमा के इतिहास में मन्ना डे यानी कि प्रबोध चंद्र डे का नाम हमेशा गर्व से लिया जाएगा। यहाँ दो रूप है, एक के यहाँ नजर उठा नजर देख के, जब उसकी मोहब्बत में गुम है तू, वही सूरत नजर आएगी चार सो, कौन क्या है मन के सिवा ये कोई क्या जाने, तेरे नैना तलाश कर जिसे वो है तुझ में कहीं दीवाने, तेरे नैना। Thank you.